नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डैस्टर सेंड डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कौन से डिवाइसेज यूज़ होती हैं जो कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देने के काम आती है, उन्हें कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज टू एंटर टेक्स्ट वुड बी। जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है जिससे जो है कंप्यूटर को टेक्स्ट जो दिए जाते हैं, ABC जो टेक्स्ट होते हैं, वो कौन सी है? वो है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मोस्ट कीबोर्ड्स यूज एन अरेंजमेंट ऑफ कीज गिवन द नेम। जो कीबोर्ड्स में जो की का पैटर्न होता है, जैसे कीज होती है QWER, ऐसे फर्स्ट रो में ये होता है और सेकंड में ASDF एंड सो ऑन, और नेक्स्ट जो होती है वो होती है ZXCV, ऐसे इस जो पैटर्न को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है QWERTY। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ की दैट टर्न्स अ फंक्शन ऑन और ऑफ इज कॉल्ड अ डैश डैश की। जो की होती है जो फंक्शन की होती है F1 से F12, किसी भी फंक्शन को ऑन और ऑफ करने वाली कीज को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है टॉगल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ड कंप्यूटर वॉज फर्स्ट यूज इन। जो कंप्यूटर वर्ड है ये पहली बार कब यूज़ हुआ था, ये यूज़ हुआ था 1613 में पहली बार। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। जो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी का नाम था वो था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेमोरी मेमोरी क्या है, मेमोरी का काम क्या है? मेमोरी इज द डिवाइस विद वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेमोरी इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है वो है CPU। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा जो है हार्डवेयर नहीं है, ये पूछा है। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये भी हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। जो फादर ऑफ सी लैंग्वेज है वो है डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फाउंडर ऑफ ईमेल। जो ईमेल के फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे शिवा अय्यादुराई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट है व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बग, कंप्यूटर बग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कब रिलीज किया गया था पहली बार? ये किया गया था 1983 में, पहली बार जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट टाइम
आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट एमएस वर्ड वॉज नोन एज, जो पहली बार लॉन्च होने के बाद एमएस वर्ड किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता था मल्टी टूल वर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड इज रिटन इन, जो एमएस वर्ड लिखा गया है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा गया है C++ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम जैसे HP GIT, HP कोऑपरेटिव बैंक और HP कांस्टेबल के लिए आप यहां पर मॉक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, और डेली HP GK के लिए भी आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टेस्ट सेलेक्ट करके टुडे GK50 का कूपन कोड लगाकर 50% डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन एक्सेल, जो एक्सेल है उसे और क्या कहा जाता है, एक्सेल है स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रोफिल्म रीडर इज अ, जो माइक्रोफिल्म रीडर है वो कौन है, वो है कॉम डिवाइस, COM डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑफलाइन डिवाइस इज, जो ऑफलाइन डिवाइस कौन सी होती है, वो डिवाइस जो कनेक्टेड नहीं है CPU के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑफलाइन डिवाइस इज अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु लॉन्च्ड IBM's फर्स्ट PC इन 1981। ध्यान रखिएगा जो IBM का फर्स्ट PC आया था पर्सनल कंप्यूटर वो 1981 में आया था, 1981 में। तो किसने लॉन्च किया था ये पूछा है आपसे, ये किया था CB रॉजर्स जूनियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, इनमें से कौन सी कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IBM को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी, जो फर्स्ट जो IBM का PC था पर्सनल कंप्यूटर उसमें क्या नहीं था, उसमें हार्ड डिस्क नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टूडेज कंप्यूटर जॉइंट IBM वॉज अर्लियर नोन बाई अ डिफरेंट नेम विच वॉज चेंज इन 1924, वट वॉज दैट नेम। IBM का जो नाम है ये 1924 में IBM रखा गया था, उससे पहले जो IBM का नाम था वो पूछा है आपसे, ये नाम था कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन कंप्यूटर वेटवेयर मीन्स, जो कंप्यूटर में वेटवेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब है एन ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ कंप्यूटर इज ऑन बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अ सिस्टम रीसेट व्हाट इज इट सेट टू बी, अगर कंप्यूटर ऑन है पर सिस्टम रीसेट को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हैंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टर्म विच रिप्रेजेंट्स द यूज ऑफ लिंक्स बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, इसको कहा जाता है हाइपरमीडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज, जो कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है वो किस में मापी जाती है,
ये है MIPS, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में MIPS की फुल फॉर्म बताएंगे कि MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम बाई लोडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है पैडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है रजिस्टर। रजिस्टर जो है टेम्पररी स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में यूज़ होता है, हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ थ्रेड इज़ अ, आपने थ्रेड का नाम तो सुना ही होगा, तो थ्रेड क्या होती है? थ्रेड होती है अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।